सब ये सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा और बहुत कुछ चीज़ें जो है वो सुधर जाएंगी, लेकिन इसके विपरीत बहुत कुछ बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जब बिहार आए थे और शताब्दी समारोह में भाग लेने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में बहुत सारी बातें कही, उसमें कई तरह की अब चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुछ मांगे रखी, लेकिन उन मांगों पर प्रधानमंत्री ने कोई भी बात करने से सीधे तौर पे परहेज किया। अब उसके बाद उनके जाने के 24 घंटा के बाद अब बिहार में ये चर्चा शुरू हो गई है, और ख़ास करके ये चर्चा जदयू के तरफ से जब शुरू हुई है तो निश्चित रूप से मामला गंभीर है। जनता दल यूनाइटेड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार फिर डिमांड कर दिया है, और ये डिमांड तब नहीं हुआ जब प्रधानमंत्री आए थे, बल्कि अब ये डिमांड पीछे से की जा रही है। हालांकि ये डिमांड प्रधानमंत्री के आने से ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा ने किया था, लेकिन अब जदयू ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का या कहा जाए कि टकराव का एक रास्ता और खोज लिया है। बिहार में विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। इस सियासत में जदयू ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। श्रवण कुमार ने एक बार फिर से पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और हमारी पुरानी मांग है। इस पर सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा है कि ये लोग सांप मर जाने के बाद लाठी पीटते हैं। हालांकि कोई भी नेता सामने आकर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर चर्चा गर्मा गई है। आपको बता दें कि मंत्री श्रवण कुमार ने कहा था कि आशा के अनुरूप हमें मिला तो है, लेकिन बिहार को भी बहुत ज़रूरत है। बिहार की आकांक्षाएं और अपेक्षा केंद्र से बहुत ज़्यादा है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके सामने फिर से ये मांग रखेंगे। हम लोग लगातार बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की मांग उठा रहे हैं, और विशेष राज्य के दर्जे की मांग ही बिहार को एक बार फिर से मुख्य धारा में ला सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 सालों से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक साथ बिहार के विकास की चर्चा करते हैं और दावा भी करते हैं, लेकिन जब आंकड़े आते हैं और सर्वे रिपोर्ट आता है तो बिहार सबसे पीछे 28वें नंबर पर रहता है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच ये तानातानी कहाँ जाएगी, ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन एक बात तय है कि दोनों अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं। जहां एक तरफ केंद्र के योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 243 विधानसभाओं में अपना नया तरीका से लोगों को बताने जा रही है, वहीं 7 निश्चय योजना को लेकर के नीतीश कुमार भी मोर्चे पर अड़े हुए हैं, लेकिन दोनों बिहार के विकास को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिए हैं। अब देखना होगा विशेष राज्य के दर्जा का ये जो मांग है वो किस करवट बैठता है। क्या ये दोनों के बीच में अलग होने का कारण बनेगा? जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।